नमस्कार दोस्त कैसे हैं आप लोग भाई पॉप लोग लो, अच्छे होंगे कमेंट में पहले बताओ आप लोग कैसे आपकी एग्जाम की तैयारी कैसे चली आप कहाँ तक पहुँचे भाई हाँ ना जल्दी से बता देंगे जवाब देना देखिए आपकी चैप्टर वाइज क्लासेज आ रही बिहार एस एस सी इंटर लेवल एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का जिसमें हमने परसेंटेज को कम्प्लीटली खत्म किया उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस चालू कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का दो क्लासेस हो चुकी है है ना दो क्लासेज तो जितना हमने पिछला वीडियो बनाया मैंने जितना वीडियो पढ़े जितने, जितने, जितने क्लासेस हुई है अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं देख सकते हैं फ्री है क्लियर है ना क्योंकि यूट्यूब पर सब कुछ फ्री होता है तो वो वीडियो जरूर देखना है क्योंकि उसमें हमने सब बेसिक बताया है है ना और क्वेश्चन किया है तो फ्रेंड्स आज जो क्लास है तीसरा क्लास ये बिहार एसएससी का बहुत ही स्पेशल क्लास है क्योंकि मैं इसमें जो आज क्वेश्चन बताऊंगा हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसको देखना है पूरा अंत तक है ना स्टार्ट करो अंत तक देखना भागने का नहीं बिल्कुल पेशेंस रहना चाहिए धैर्य बना कर देखें मज़ा आएगा क्योंकि जो मैं आज क्वेश्चन बताऊँगा हर क्वेश्चन अपने आप में तो बेहतरीन है और हर क्वेश्चन को बताने का जो तरीका होगा दो से तीन होगा है ना पहले उसका कंसेप्ट उसके बाद थोड़ा सा बेसिक वाला तरीका होगा और उसके बाद बिल्कुल शॉर्ट जो

आइए देख आ आ ये। तो फ्रेंड्स समझना ध्यान से देखिए आपने कोई आर्टिकल बोले तो वस्तु तो, है ना आर्टिकल कोई खरीदा है ना ये आर्टिकल मान लीजिए आपने खरीदा कितने रुपए में भाई कितने रुपए में प्राइस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपने ए आर्टिकल खरीदा बी रुपए में क्लियर है ये क्या खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस है ना मतलब आपने मार्केट गए और ए आर्टिकल खरीद के लाया बी रुपए में ए आर्टिकल खरीद के लाया बी रुपए में और फिर इसके इसे आपने सेल कर दिया है ना एक्स आर्टिकल को वाई रुपए में सेल कर दिया खरीद के लाया ए आर्टिकल बी रुपए में और सेल कर दिया एक्स आर्टिकल को वाई रुपए में एक्स आर्टिकल को वाई रुपए में तो क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बताओ क्या होगा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताओ क्या होगा तो कैसे करेंगे समझना दोनों को पहले क्रॉस में गुना करना है क्रॉस पॉन्डिंग है ना दोनों को क्रॉस में गुना कर लें तो ये कितना होगा ए और बट्टे में बी क्लियर है और माइनस करना है वन और इसको मल्टीप्लाई कर देना है हंड्रेड परसेंट से हंड्रेड परसेंट से क्यों गुना करेगा भाई क्योंकि वैल्यू जो प्रतिशत है बतानी है ना परसेंटेज में तो इसलिए आपको गुना करने का सौ परसेंट से और ये आपके सामने कंसेप्ट तैयार हो गया क्लियर है तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है ये कंसेप्ट दिमाग में रहेगी विद इन सेकेंड में क्वेश्चन उड़ाओगे इसका शॉर्ट रिक बताऊंगा हर क्वेश्चन का तो ये पहले इस कि मदद से इस क्वेश्चन का जवाब दे दें कि आंसर होगा कितना जल्दी से बता दो फाइव कुकली डूट डूट जल्दी करो कि आंसर हुआ कितना भाई जल्दी बताओ अपने कंसेप्ट समझ लिया ना तो जल्दी से जवाब भी दे दो कि आंसर क्या होगा समझना कैसे हल करोगे भाई पहले क्वेश्चन को आपको रीड करनी है उसके बाद आपको हल करना है क्वेश्चन दिया गया छः संतरे पाँच के भाव से खरीदेगी और पाँच संतरे छः के भाव से बेचे गए तो प्रॉफिट फ्रो, फ्रो, परसेंटेज हमको फाइंड करना है यानी कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा ये हमको निकालना है तो कैसे कर सकते हैं देखिए आपने संतरा खरीदा पाँच रुपये के भाव से है ना पाँच रुपये के भाव से मतलब एक संतरा का दाम कितना है पाँच रुपया है उस प्रकार आपने छः संतरे खरीद लिए

और गुना कर देना है हंड्रेड परसेंट से हाँ है ना क्लियर होगी ना तो अगर यहाँ से मैं एल सब लूंगा तो पच्चीस पच्चीस में से छत्तीस माइनस कर लो ग्यारह बट्टे पच्चीस होगा और 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 गुने में हो जाएगा हंड्रेड और काटेंगे चार ग्यारह से चौवालीस यानी चौवालीस परसेंट आपका करेक्ट आंसर होगा यानी चौवालीस परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा बातें समझे हाँ है ना तो ये रहा आप फॉर्मूला से फार्मूला से कैसे हल करोगे क्लियर है तो पहले आपको बातें बताओ कि ये आपको फॉर्मूला से समझ में आया या सनो कमेंट करें समझ गए होंगे आगे मैं बढ़ सकता हूँ चलिए जब समझ गये तो अब इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ समझना कैसे करना है हमने क्या बताया कि दोनों को गुना करना है तो पाँच में पाँच गुना करोगे तो पच्चीस बनेगा है हाँ ना और छः में छः गुना करोगे तो थर्टी सिक्स बनेगा है हाँ ना मतलब आपने संतरे को पच्चीस में खरीदा और छत्तीस में सेल कर दिया है ना बेचा है सेल यहाँ ऊपर कॉस्ट खरीदा पच्चीस रुपये में बेचा छत्तीस रुपये में कितना का प्रॉफिट हो गया तो अंदाज में बताएगा कि ग्यारह का प्रॉफिट हो गया क्या है ना ग्यारह का प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे करोगे भाई ग्यारह का प्रॉफिट हुआ किस पर प्रॉफ़िट हुआ हमेशा आपको प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है कॉस्ट प्राइस पर कॉस्ट प्राइज कितना है कॉस्ट प्राइज कितना है पच्चीस है तो बट्टे में पच्चीस और प्रतिशत के लिए गुने में सौ काटोगे कितना आएगा चौवालीस प्रतिशत करेक्ट आंसर बातें समझे आए ना पच्चीस चौके सौ गार चौवालीस परसेंट करेक्ट आंसर क्लियर हुई आए ना तो ये रहा आपका कंसेप्चुअली और ये रहा आपका ट्रिकली बातें समझ में आई मजा आया ये सन अगर मजा आए तो वीडियो को लाइक और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि पर डे आपको वीडियो मिलेगी चलिए आगे बढ़ सकता हूँ हाँ आए ना कमेंट करना चलिए अब जहाँ भी डाउट हो थोड़ा सा भी तो कमेंट में पूछना है भाई कमेंट उसी लिए दिया जाता है कमेंट बॉक्स में अपना जवाब फेंक देंगे मैं यहां पकड़ लूंगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताना अगर आपने समझा है ट्रिक तो जल्दी आपका टेस्ट भी हो जा रहा है कि जल्दी से जवाब दे दें क्या होगा इसका आंसर आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपने क्या समझा सॉरी कहा लाइट चली गई थी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और आपके यहाँ कैसा है बताना कमेंट में चलिए फालतू बात छोड़ते हैं टॉपिक पर आते हैं सभी भाई का जवाब आ चुका है सभी ने इसका हल किया हाँ है ना कमेंट में बताओ जिसने हल किया वो भी बताएगा नहीं किया वो भी बताएगा और निराश ना तो ये हल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं मैं तो बताऊँगा इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा और शुद्ध आंसर क्या होगा क्वेश्चन दे रखा है एक विक्रेता सात वस्तु नौ रुपये प्रति दर से खरीदता है और तेरह वस्तु पंद्रह रुपये प्रति दर से बेचता है तो पूछा गया लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्या हुआ कितने का प्रॉफिट हुआ है उसको कितने का लॉस हुआ यही तो फाइंड कर ना है तो कैसे कर सकते हो देखिए उसने सात आर्टिकल खरीदा है भाई नौ पर रेट से है ना और सेल किया है उसने तेरह आर्टिकल को पंद्रह पर रेट से है ना ये क्वेश्चन दे रखा है तो हमने तरीका क्या बताया क्रॉस पंडिंग गुना करेगा क्रॉस में तीर्षा तीर्षा गुना करेगा तो तीर नवा एक सौ सत्रह और इसो गुना एक हाँ ना एक हुआ मतलब वो दुकानदार खरीदा और एक सौ पांच रुपए में बेचा तो प्रॉफिट होगा लॉस आप बोलोगे भाई लॉस हो जाएगा कितने का बारह का बारह का लॉस हो गया तो लॉस प्रतिशत क्या होगा मेरे भाई बारह का लॉस किस पर प्रॉफिट लॉस किस पर होता है कॉस्ट आज पर कॉस्ट प्राइस कितना है 117 तो 117 गुने बटे में और प्रतिशत के लिए गुने में 100 अब गुना कर लो 1200 1200 को 117 से डिवाइड कर लो कितना आएगा 6.677% करेक्ट आंसर इतना प्रतिशत का लॉस हो जाएगा यही आपका सूथ आंसर होगा क्लियर है ना कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हां या ना कमेंट में बताओ समझ में आ गया होगा बहुत ही आसान है और सिंपल है करने का कुछ नहीं जो आर्टिकल और प्राइज का दिया रहेगा वैल्यू वो लिखना है उसके बाद क्रॉस बंडिंग गुना करेगा गुना करने के बाद जो नंबर आएंगे उसका डिफरेंस चेक करना है मतलब प्रॉफिट हुआ है कि लॉस तो पता चल जाएगा देख कर एक लॉस हुआ प्रॉफिट अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे और लॉस होता है तो लॉस परसेंटेज निकालोगे तो शुद्ध आंसर आपके सामने होगा बातें समझे ना ये क्लियर है क्वेश्चन अगर ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर है अगर ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर है तो अगला जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा है ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ इसी क्वेश्चन का अपग्रेडेड क्वेश्चन है है ना थोड़ा सा उसमें लेवल उसका बढ़ाया गया है उस क्वेश्चन का लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के बाद ही उस क्वेश्चन को हल करना क्लियर है ना समझ गए होंगे ना चलिए तो इस क्वेश्चन का हल करने का तरीका क्या होगा जानना एक दुकानदार पांच वस्तु तीस रुपये में खरीदा और सात वस्तु को उनचास रुपये में बेचा तो लाभ या हानि प्रतिशत हमको ज्ञात करना है देखिए पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं पहले देखिए पिछला क्वेश्चन जो था उसमें पर आर्टिकल का दिया गया था प्राइस दिया गया था पर आर्टिकल से प्राइस दिया गया था है है ना ना क्वेश्चन में पर भाव से या बोले थे प्रति दर से क्वेश्चन में लिया गया था प्राइज लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है पर रेट से प्राइज नहीं दिया गया है सभी वस्तु का प्राइज दे रखा है जैसे पांच वस्तु का प्राइज कितना दिया है तीस है है ना पांच वस्तु का प्राइस कितना है तीस है यही क्वेश्चन में डिफरेंस है कुछ है नहीं एक लाइन में बोले तो उस क्वेश्चन में क्या था पर आर्टिकल आर्टिकल और इस क्वेश्चन में सभी का दे रखा क्या होनी चाहिए हल करेंगे यहाँ पर सीपी लिख रहा हूं, मतलब कितने में उसने खरीदा एक आर्टिकल को ध्यान समझना देखिए गाइज उसने पांच पांच ना पांच आर्टिकल खरीदा है कितने में तीस रुपए में

उसी प्रकार सेलिंग प्राइस में पूछो उसने सात वस्तु को उनचास रुपये में बेच दिया तो एक वस्तु को कितने में बेचा होगा सात रुपए में है ना एक वस्तु को बेचा होगा सात रुपये में मतलब ये जो छे और सात क्या है आपका पर आर्टिकल प्राइज है क्लियर ना छ रुपये में खरीदा और सात में बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हो गया बोलेंगे आप एक का प्रॉफिट हो गया है ना एक का प्रॉफिट हो गया तो एक का प्रॉफिट हुआ किस पर प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे एक का प्रॉफिट किस पर हुआ छः पर हुआ तो सौ पर कितना

कि इससे भी टफ क्वेश्चन आए तो शॉर्ट ट्रिक से जाना क्लियर है ना क्योंकि डिटेल से जाओगे तो टाइम लगेगा तो शॉर्ट ट्रिक कैसे हल करना ये समझते हैं देखिए जो पिछला क्वेश्चन किया उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो उसी तरह मैं इसका शॉर्ट भी बनाने की कोशिश करूंगा क्लियर ना तो ध्यान देना देखिए पहले क्वेश्चन में यहाँ पर मैं आर्टिकल लिखते थे आर्टिकल और इधर प्राइज और यहाँ पे सी और यहाँ पर एस क्लियर है ना ऑफर एंड समझो उसने पांच आर्टिकल खरीदा कितने में तीस रुपए में और सात आर्टिकल को बेचा कितने में उनचास रुपए में ये अभी हमने क्वेश्चन खत्म किया क्लियर है ना और फ्रेंड्स करना क्या है जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो ध्यान देना शॉर्ट कैसे बनेगा यहाँ देखो पाँच है यहाँ सात है यानी जो आर्टिकल की जो संख्या पाँच सात है अलग अलग है अलग अलग है है ना अलग अलग है तो हमको क्या करना है इसको सेम करना है इक्वल करना है सेम एक जैसा बनाना है तो एक जैसा बनाने के लिए क्या कर सकते हो इधर पाँच से गुना कर दो और इधर सात से गुना कर दो है ना देखिए पाँच सत्य पैंतीस और पाँच सत्य पैंतीस दोनों क्या होगा इक्वल हो गया आर्टिकल की जो संख्या है नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होंगे इक्वल हो गए होंगे कि नहीं हो गए इक्वल हो गया ना यही तो करना है भाई हमको तो इक्वल करना है तो इक्वल हो गया इधर पाँच से गुना किया तो इधर पाँच तो सात से गुना किया तो इधर भी सात से यहाँ पाँच से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी माँच से पाँच से मल्टीप्लाई कर दोगे क्लियर है यहाँ तक बात ही आपको समझ में आई और फ्रेंड्स एक बात बताओ अगर मैं सात से इसमें गुना करूँ सात तरीका है किस दो सौ दस होगा अगर मैं पाँच इसमें गुना करूँ तो कितना होगा न पचे पैंतालीस पाँच चार और चार पच्चे बीस और दो चौबीस यानी दो सौ पैंतालीस बनेगा यानी उसने दो सौ में वस्तु को खरीदा और दो सौ में वस्तु को बेचा है ना दो सौ में खरीदा दो सौ में बेचा यानी कितने का प्रॉफिट हो जाएगा भाई कितने का प्रॉफिट हो जाएगा पैंतीस का प्रॉफिट होगा है ना पैंतीस का प्रॉफिट होगा तो पैंतीस का प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा हो भाई पर प्रॉफिट परसेंट पैंतीस का प्रॉफिट किस पर होगा कॉस्ट प्राइस पर कॉस्ट प्राइस दो सौ दस दो सौ दस तो सौ पर कितना

गुना करने की भी दिक्कत नहीं है जरूरत नहीं है कैसे समझना ध्यान से ये जो आपका प्राइज है हम प्राइज का रेशियो ले लेंगे है ना प्राइज का रेशियो ले लेंगे तो रेशियो तो आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा रेशियो में क्या होते नंबर हैं नंबर कटते हैं है ना काटना सीखो तो सात से सात सत्य से, से, से उनचास और पाँच से पाँच छः के तीस यानी ऊपर क्या आया छः आया और नीचे क्या आया सात आया अब तो कुछ कटेगा नहीं तो छः और सात बच गया ना यानी छः रुपये में खरीदा और सात रुपये में बेच दिया यानी एक का एक का प्रॉफिट हो गया क्लियर है तो एक का प्रॉफिट किस पर छः पर तो सौ पर कितना सुल्ले से ही दो बटे तीन प्रतिशत करेक्ट आंसर होगा हाँ है ना तो बताओ बेसिक और शॉर्ट दोनों आपको बात ही समझ में आई हाँ है ना क्लियर है ना अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता के दिखाओ बता कि इसका आंसर क्या होगा जल्दी से जवाब दो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना कि इसका आंसर क्या होगा इसी टाइप का क्वेश्चन है जल्दी से बताएंगे कि आंसर क्या हो सकता है इसका देखिए भाई अगला क्वेश्चन दिया गया है एक आदमी बारह रुपये में बीस आम खरीदता है और बीस रुपये में बारह आम बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत हमको ज्ञात करना है तो कैसे करोगे ध्यान समझना उसने बीस आम खरीदा है बारह रुपये में है ना और बारह आम को बेचा है बीस रुपये में क्लियर है तो हमने क्या बताया था सबसे पहले क्या करने का जो आर्टिकल दिया है उसको इक्वल करने का तो इक्वल कैसे करोगे इधर बारह से गुना और इधर बीस से गुना है ना जब यहाँ बीस से गुना तो इधर भी बीस से गुना करना पड़ेगा और यहाँ बारह से गुना तो इधर भी बारह से गुना कर लोगे ऐसे अब आप, आपकी मर्जी चाहे आप गुना करके बनाओ या रेशियो ले लो प्राइज का तो हम गुना नहीं करेंगे प्राइज का रेशियो ले लेंगे है हाँ ना रेशियो ले लो तो रेशियो से और आसान होगा देखिए काट लो चार से काटे ना चार तीन बारह और चार पच्चीस बीस इसको चार पच्ची बीस और चार तीन बारह तो ऊपर गुना करेंगे तो अब कुछ तो कटेगा नहीं ना तो ऊपर कितना होगा नौ बनेगा और यहाँ गुना करेंगे तो पच्चीस बनेगा क्लियर है पच्चीस बनेगा यानी नौ रुपये में खरीदा आपने वस्तु यानी आम और पच्चीस रुपया में बेच दिया तो कितने का भाई प्रॉफिट होगा आप बोलेंगे सुल्य का प्रॉफिट है ना सुलहे का प्रॉफिट तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा प्रॉफिट परसेंट सुल्य का प्रॉफिट किस पर नौ पर तो सौ पर कितना तो सौ पर कितना तो सुल्ले सौ हो जाएगा और नौ से डिवाइड कर दो नौ से डिवाइड करेंगे तो एक सौ सतहत्तर पॉइंट सेवन प्रतिशत करेक्ट आंसर होगा यही आपका शुद्ध आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा क्लियर है हाँ ना तो ये आपको तरीका समझ में आया या हाँ ना बताओ भाई तरीका समझ में आया और अच्छा लगा कि नहीं लगा बताओ सिंपल सी बात है कर लोगे ना नलिए चलिए अब बढ़ने में अगले क्वेश्चन की तरफ ये चार क्वेश्चन आपको समझ में आया ना अच्छे से तो बहुत ही अच्छी बात है अब आते हैं भाई अगला क्वेश्चन मतलब अब अगले क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लो ये क्वेश्चन का अब मॉडल चेंज हो गया पैटर्न भी चेंज हो गया तो इस टाइप के क्वेश्चन का तरीका क्या होगा समझेंगे पहले ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को हल करने का तीन तरीका बताऊंगा पहला बेसिक उसके बाद छोटा और बेसिक मतलब एकदम छोटा ट्रिक और उससे भी छोटा ट्रिक बोले तो देखकर ही जवाब देने वाला यानी तीन तरीका होने वाला है तो मजा आएगा तो ध्यान से समझना क्वेश्चन है छत्तीस वस्तु का क्रय मूल्य छत्तीस पुस्तकों का क्रय मूल्य तीस पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है है ना तो पूछा गया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो कैसे हल करने का समझने का देखिए मान लीजिए एम है ना एम वस्तु है तो एम वस्तु का जो क्रय मूल्य है एम वस्तु का 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 मतलब क्रय मूल्य मतलब सीपी क्लियर ना एम वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर है भाई किसके बराबर है इन वस्तु के विक्रय मूल्य का क्या है इक्वल है ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे है ना इसको भाषा में लिखोगे तो उस पर का जो आपके सामने क्वेश्चन है हाँ है ना इन वस्तु का क्रय मूल्य इन वस्तु के विक्रय मूल्य के इक्वल है क्लियर है तो इसका कंसेप्ट क्या होने वाला है समझने का ध्यान से उस करने के ना ये एम है तो एम लिखने का वो सॉरी ध्यान देना तो एम है वस्तु का क्रय मूल्य और एन वस्तु का जो विक्रय मूल्य है तो इस क्वेश्चन में पूछे क्या जाएंगे आपसे ये तो पहले जान लो क्वेश्चन पूछ जाएगा प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बताओ क्या होगा ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन में तो कैसे हल करने का आप जानते हैं तो एम लिखने का यहाँ एम और उसमें से एन माइनस करने का क्लियर है एम में से एन माइनस करने का और फिर जो एन है इसको बट्टी में लिखने का और हंड्रेड प्रतिशत से गुना करने का और कुछ नहीं यही कंसेप्ट है यही जो है कंसेप्ट है क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे विद इन सेकेंड में बातें समझे एम माइनस एन एम माइनस एन और एन से डिवाइड करके हंड्रेड परसेंट से गुना कर दोगे आपके सामने आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो क्वेश्चन में होगा वैसे क्लियर है ना और एक बात ध्यान देना वेयर यहाँ वेयर जहां एम ग्रेटर देन एन जब एम बड़ा हो एन छोटा हो तो आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा क्लियर है ना? जब एन जब एम छोटा हो और एन बड़ा हो एन बड़ा हो तो आपको क्या होगा लॉस होगा एम ग्रेटर देन एन प्रॉफिट एम लेस देन एन इक्वल टू क्या होगा लॉस होगा क्लियर है ना मतलब एम बड़ा रहे और एन छोटा रहे तो प्रॉफिट होगा एम क्या होगा छोटा हो और एन बड़ा हो तो आपको लॉस होगा बातें क्लियर है ना तो ये आपको बातें समझ में आई तो इसी को भी ध्यान में रखना है आपको यहाँ से देख पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस यहाँ पर आपको डाउट है तो कोई बात नहीं क्वेश्चन बताऊँगा तो आपको सिंपली सारी बातें समझ में आएगी जिससे क्वेश्चन आप समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे हल करना पहले मैं बता रहा हूँ कि फार्मूला से कैसे हल करोगे उसके बाद तरीका जानेंगे कंसेप्ट जानेंगे और ट्रिक भी जानेंगे क्लियर है ना समझना देखिए पहले मैं बता रहा हूँ इसको ट्रिक से सॉरी कै फार्मूला से कैसे हल कर पाओगे यानी छत्तीस पुस्तक का क्रय मूल्य है ना और तीस पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है बराबर है देखिए छत्तीस छत्तीस पुस्तक का क्रय मूल्य है ना बराबर किसते हैं किसके भाई तीस तीस पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है है ना तो पूछा गया कि लाभ या हानि प्रतिशत हमको फाइन करके बताओ क्या होगा तो कैसे करोगे इसका हल तो ध्यान से समझना मेरे भाई देखिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ पहले फॉर्मूला से अभी ना हमने बताया में बड़ा और एम छोटा इसमें बताओ सबसे बड़ा वैल्यू कौन है तो एम है तो ये एम का वैल्यू होगा और ये क्या है एन है ये एन का वैल्यू होगा छोटा है तो एन है क्लियर है ना हाई ना तो प्रॉफिट या लॉस निकालने का तरीका क्या होगा ये तो बातें आपको पता होगी देखिए जब एम ग्रेटर हो और एन छोटा हो है ना एम बड़ा हो और एन छोटा हो तो इस केस में क्या होगा आपको हमेशा प्रॉफिट होगा अभी हमने बताया तो एम बड़ा है और एन छोटा है तो इस क्वेश्चन में क्या होगा भाई हमेशा आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में पूछा गया प्रॉफिट परसेंट बता दो तो एम लिखना है और माइनस एन लिखना है तो एम माइनस एन बोलो तो छत्तीस माइनस तीस कितना होगा सिक्स होगा और बट्टे में क्या तीस और गुने में सौ काटोगे पाँच और पाँच इसको काट दोगे बीस और बीस प्रतिशत क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा यही करेक्ट आंसर बातें समझे बीस प्रतिशत आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा यही आपका शुद्ध आंसर होगा क्लियर है ना तो ये रहा फार्मूला से अब बिना फार्मूला से हल करना चाहते हो तो यू समझो ये फार्मूला से रहा तो बिना फार्मूला से कैसे हल करना ध्यान समझना अब एम और एन का वैल्यू खत्म हमको एम और एन से मतलब ही नहीं है तो बिना एम और एन से कैसे हल किया जाएगा समझेंगे देखिए ये दोनों क्या है? इक्वल में है अगर मैं सी पी को यहाँ रखूँ और एस पी को इधर से टांग के लाऊंगा तो नीचे आ जाएगा है हाँ ना बट्टे इक्वल के इस साइड आएगा तो बट्टे में फिर उसी प्रकार तीस को उधर ही रखो और छत्तीस को इधर फेंक दूंगा तो नीचे चला जाएगा क्लियर है ना बातें समझे अगर कट रहे है तो काट लो पाँच से कटेगा है ना छः से काटे छः पच्ची तीस अच्छा छः एक छत्तीस पाँच और छः आ गया यानी सी का वैल्यू कितना आया पाँच आया और एस पी का वैल्यू कितना है छः आया सी पी का वैल्यू पाँच और एस पी का वैल्यू छः सी पी का वैल्यू पाँच और एस पी का वैल्यू छः कहना तो यहाँ देखो मतलब वस्तु को खरीदा पाँच में बेचा छः में कितने का प्रॉफिट एक का प्रॉफिट तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा एक का प्रॉफिट किस पर भाई पाँच पर तो सौ पर कितना तो सौ पक इतना काटोगे बीस प्रतिशत का प्रॉफिट यही करेक्ट आंसर बीस प्रतिशत का प्रॉफिट यही करेक्ट आंसर है क्लियर है ना आपको ये बातें समझ में आई है ना और बिना और बिना पेन और पेपर का कैसे हल करेंगे ये समझते हैं अभी है हमने दो तरीका बताया अब तीसरा तरीका समझने के लिए आप रेडी हो जाओ तीसरा तरीका समझने के लिए रेडी हो जाओ कैसे करना है समझना देखिए कुछ करने का नहीं यहाँ सी है ना और इधर एस लिखने का और इन दोनों का हम रेशियो लेंगे इन दोनों का रेशियो ले तो ध्यान समझो बिना पेन और पेपर का है? है इन दोनों का रेशियो लेंगे तो सी कितना है भाई छत्तीस है ना है ना और एस कितना है थर्टी है इन दोनों का रेशियो ले लो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँगा तो कटेंगे ना भाई कटेंगे किससे छः से काट छः यानी पाँच आएगा और यहाँ छ आएगा यानी छ और पाँच आ गया क्लियर है क्लियर है ना छः और पाँच आ गया अब जो रेशियो आएगा बस उसको पलट देने का पांच को इधर लाने का और छः को उधर फेंकने का क्लियर ना छः को उधर फेंकने का यानी पांच में खरीदा छः में बेचा कितने का प्रॉफिट एक का प्रॉफिट एक का प्रॉफिट किस पर पांच पर तो सौ पर कितना बीस प्रतिशत करेक्ट आंसर बीस प्रतिशत करेक्ट आंसर है ना बताओ तीन तरीका हमने बताया और तीनों तरीका अपने आप में बेहतरीन है तो जो अच्छा लगेगा उससे हल करना ये बहुत ही आसान है सीपी और एसपी का रेशियो लेने का रेशियो लेने के बाद जो नंबर आएगा उसको एक बार पलटने का उसके बाद देखना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकाल लेने का क्लियर है हाँ ना तरीका समझ में मज़ा आया हाँ ना क्लियर है ना चलिए अगर आपने ये समझा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ अगर आपने ये समझा है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि आंसर क्या हो सकता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे गाइज पंद्रह पुस्तकों का क्रय मूल्य है ना पंद्रह वस्तुओं का क्रय मूल्य और दस वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए बताना है कि प्रॉफिट कितने का हुआ तो फ्रेंड समझो हमने क्या बताया सीपी और एस का रेशियो लेंगे तो सी कितना है पंद्रह वस्तुओं का क्रय मूल्य ना तो यहाँ पंद्रह है और इधर दस है हम लेंगे इसका रेशियो है ना रेशियो तो रेशियो में नंबर कटे काट दो पांच से काटने का पाँच दूना पाँच तीन के पंद्रह और पाँच दूना का दस अब तो कटेगा नहीं ना है हाँ ना मतलब मतलब खरीदा अपने तीन में है हाँ ना खरीदा अपने तीन में सही है ना ओ सॉरी सॉरी एक बार तो पलटना है ना भाई पलटना था हम भूल ही गए आप ध्यान नहीं देते हो आप दिल, दिल, याद नहीं दिलाते हो तीन अनुपात दो आया एक बार पलटना है ना पलटने का मतलब इधर दो और इधर तीन चला जाएगा ना ये तो हमें छूट ही गया हमसे तो पलटना भूलना नहीं है भाई मेरे जैसा तो दो अनुपात तीन हो गया मतलब खरीदा दो में और बेचा तीन में भाई कितने का प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट आप बोलोगे एक का प्रॉफिट तो एक का प्रॉफिट किस पर दो पर तो सौ पर कितना सौ पर कितना पचास प्रतिशत करेक्ट आंसर पचास प्रतिशत करेक्ट आंसर बातें समझा है ना तो पलटना नहीं भूलना है पलटना नहीं भूलना है ना तो गलत हो जाएगा

तो कितना दिया पंद्रह में जो क्राइम मूल्य इधर पंद्रह है और इधर क्या है बीस है बीस है क्लियर है ना बीस है रेशियो ले लें पाँच दिन पंद्रह पाँच छो के बीस यानी तीन अनुपात चार आएगा तो प्लट देंगे तो चार अनुपात तीन हो जाएगा यानी खरीदा चार में बेचा तीन में कितने की हानि हो गई एक की हानि हो गई तो एक की हानि किस पर चार पर तो सौ पर कितना तो सौ पर कितना तो बीस प्रतिशत का लॉस हो जाएगा यही करेक्ट और पच्चीस प्रतिशत का लॉस हो जाएगा यही करेक्ट आंसर पच्चीस प्रतिशत का लॉस हो जाएगा यही करेक्ट आंसर है है ना पच्चीस प्रतिशत का लॉस हो जाएगा यही शुद प्योर आंसर होगा बताओ सेकेंडों में क्वेश्चन आप उड़ा सकते हो ऐसे है ना हमने बेसिक बताया थोड़ा उससे भी बेसिक उसके बाद शॉर्ट ये ये बिना पेन और पेपर का हल किया जा सकता है क्लियर ना दिमाग में ही हल करना है ना रेशियो लोग काट लो उसके बाद पलट दो उसके बाद करेक्ट आंसर ला लो गए ना किसी को दिक्कत थोड़ी से भी नहीं होनी चाहिए तो हमने अभी तक जितना क्वेश्चन बताया सभी समझ में आए ना चलिए अगर समझ में आ रहा है तो भाई आगे बढ़ते हैं ना भाई मजा आ रहा है तो आगे बढ़े और वीडियो को लाइक करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं आप देखिए फिर क्वेश्चन का हमने लेवल बदला क्वेश्चन क्या है एक व्यक्ति दो कार है ना एक व्यक्ति दो कार प्रतीक को ₹120 में बेचता है है ना जिसमें से उसे एक पर 25% का लाभ होता है और दूसरे 25% पर की हानि होती है तो इस प्रकार पूरे लेनदेन से पूरे लेनदेन में उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई यह हमको ज्ञात करना है तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या होगा हल करने का तरीका समझते हैं तो पहले मैं बेसिक समझा रहा हूँ ध्यान समझना देखिए एक व्यक्ति है जिसने दो कार और प्रत्येक को एक सौ में बेच दिया प्रत्येक को एक सौ में बेच दिया तो हम समझते हैं पहले कंसेप्ट किसका ध्यान दीजिए यहाँ ये फर्स्ट कार है ना फर्स्ट और इधर सेकंड कार में लिखा क्लियर ना और इधर सीपी और इधर एसपी तो ध्यान से समझने का मेरे भाई हवाने का नहीं देखिए उसने एक को पच्चीस प्रतिशत के लाभ पर पच्चीस प्रतिशत के लाभ पर पच्चीस प्रतिशत का फ्रिक्शन वैल्यू एक बट्टी चार है ना यानी चार में खरीदा और लाभ होगा एक का यानी बेचा कितना में होगा पाँच में क्लियर है ना और दूसरी कार को सॉरी इधर होगा ना और दूसरी कार को पच्चीस प्रतिशत के हानि पर है हा ना यानी चार में खरीदा और एक पर एक की हानि हो जाएगी तो बेचा कितना होगा तीन में क्लियर है ना ऐसे कर यार का एक, चार। तो चार पर एक का ऐसे करने आएगा ना मेरे भाई आगे मैं बढ़ू चलिए इतनी बातें समाज गए होगी तो आगे मैं बढ़ रहा हूँ अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता अगर क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर जो दोनों दोनों कार का जो प्रत्येक का एक सौ बीस रुपया मतलब दोनों कार को जो विक्रय मूल्य है एक सौ बीस रुपया में बेचता है यानी विक्रय मूल्य दोनों का समान है और यहाँ पे देखोग विक्रय मूल्य अलग अलग है अरे भाई पहले कार को एक सौ बीस रुपये में बेचा दूसरी कार को भी एक सौ बीस रुपये में बेचा दोनों का विक्रय मूल्य समान है एक सौ बीस बीस रुपये ना तो यहाँ पर अलग अलग है यहाँ पाँच है यहाँ तीन है तो इसको करो पहले सेम तो सेम करने के लिए इधर तीन से गुना और इधर पाँच से गुना इधर से, गुना किया तो भी तीन से गुना और यहाँ पाँच से सेम दिक्कत ही नहीं है और पाँच तीन पंद्रह यानी बारह रुपए में कार खरीदा अब बेचा कितने पंद्रह यानी प्रॉफिट हो गया तीन यूनिट का क्लियर ना यहाँ पे देखोगे पांचों के बीस यानी कितना बीस यूनिट में कार खरीदा और पांच तीन पंद्रह पांच तीन पंद्रह यानी बीस यूनिट में काम कार खरीदा और पंद्रह यूनिट में बेच दिया कितने की हानि हो गई पाँच यूनिट की हानि हो गई है ना पाँच यूनिट की हानि हो गई यहाँ तीन का प्रॉफिट और यहाँ पाँच यूनिट की क्या हानि तो ओवरऑल है ना ओवरऑल ओवरऑल मैं पूछूँ कि लॉस कितने का हो गया लॉस कितने का हो गया ओवरऑल लॉस तो पाँच रुपया यहाँ पर तीन रुपये का प्रॉफिट हो रहा है पाँच रुपया की हानि हो जा रही तो माइनस कर लो यानी दो रुपये की क्या हो गई लॉस हो गई दो रुपया का अभिन ओवरऑल लॉस हो रहा है दो रुपये का ओवरऑल अभिन भी लॉस हो रहा है है हाँ ना तो फ्रेंड्स ध्यान देना देखिए पाँच तीन पंद्रह यहाँ पाँच तीन पंद्रह मैं दोनों कार का मैं विक्रय मूल्य पूछूँ तो कितना होगा थर्टी होगा वो नहीं होगा थर्टी होगा आप बोलेंगे बिल्कुल सही थर्टी है पंद्रह ये पंद्रह ये थर्टी है जबकि दोनों कार का विक्रय मूल्य कितना दिया भाई एक कार का एक सौ बीस रुपया तो दो कार का दो सौ चालीस रुपया तीस का वैल्यू कितना है दो सौ चालीस है तीस का वैल्यू कितना है दो सौ चालीस है तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से जीरो से जीरो है ना और तीन आठ है चौबीस यानी एक यूनिट का वैल्यू आठ आ गया और ओवरऑल लॉस कितना हुआ था दो रुपये का और एक यूनिट का वैल्यू आठ आया बस इसमें आठ से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी हानि कितनी की हो गई सोलह रुपये का यही तो करेक्ट आंसर है भाई सोलह रुपये की हानि हो जाएगी शुद्ध आंसर सुल्ल्य लगा लो शुद्ध आंसर सोलने लगा लो ये है जलवा क्वेश्चन का क्लियर है ना ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो ध्यान से समझना पड़ेगा आपको क्लियर है ना तो हल कर लोगे ये रहा बेसिक अब देखो मैं शॉर्ट टिक दे रहा हूँ दो सेकेंड वाला है ना दो सेकेंड वाला ये तो आपने समझ गया तो दो सेकेंड में कैसे हल करोगे तो ये भी समझ लेते हैं दो सेकेंड में कैसे उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को ध्यान देना देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए मतलब दो कार का जो दो कार का जो विक्रय मूल्य है सेम रहे है ना सेम रहे हमने क्या कहा यदि दो कार का विक्रय मूल्य जब सेम रहे तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगा समझे देखिए दो कार मान लीजिए आर्टिकल आर्टिकल यहाँ लिख दे रहा हूँ है ना दो कार दो आर्टिकल दिया हो और दोनों आर्टिकल का जो विक्रय मूल्य सेम रहे और एक को एक को हम लॉस में बेच दू और एक को प्रॉफिट में बेच दू एक को लॉस पर बेच दूँ, एक को प्रॉफिट पर बेच दूँ। मान लिया हमने एक रुपया तो को प्रॉफिट पर बेच दू तो फार्मूला क्या होगा समझे ना डायरेक्ट सॉर्ट ट्रिक करना ना कुछ एक्स को रहे तो जो एक्स है एक्स का स्क्वायर कर क्लियर ना एक्स का स्क्वायर कर दे और बट्टे में क्लियर ना बट्टे में सौ और एक बात नोट में लिख लेना दो आर्टिकल का विक्रय मूल्य सेम रहे और एक को हानि पर दूसरे को प्रॉफिट में बेचा जाए तो हमेशा आपको क्या होगी हानि होगी बोले तो लॉस क्लियर ना? हानी हाँ है ना हानि होगी बातें समझे तो इसी को ध्यान में रखना है हमने अभी तक क्या बताया मेरे भाई जब दो जब दो आर्टिकल को सेम विक्रय मूल्य पर बेचा जाए एक को प्रॉफिट पर एक को प्रॉफ़िट पर और एक को लॉस पर तो हमेशा किसी सूरत किसी हाल में हमेशा आपको लॉस होगा हमेशा तो आपको लॉस होगा और निकालने का तरीका क्या होगा एक्स एक स्क्वायर बट्टे में हंड्रेड क्लियर है एक्स एक स्क्वायर बट्टे में सौ और कुछ नहीं जैसे क्वेश्चन समझना जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ध्यान देना देखिए कैसे हल करोगे क्वेश्चन में दिया गया पच्चीस परसेंट का, का प्रॉफिट और पच्चीस परसेंट का लॉस और दोनों कार का जो विक्रय मूल्य सेम ही है तो एक्स का वैल्यू कितना है पच्चीस है एक्स का वैल्यू कितना है पच्चीस है पच्चीस है ना इसका स्क्वायर करोगे ये तो पता है लॉस होगा हमेशा हानि होगा और बट्टे में सॉब होगा हुआ कि नहीं होगा अब स्क्वायर करोगे तो छः सौ पच्चीस छः सौ पच्चीस को डिवाइड करोगे तो कितना होगा छः पॉइंट टू फाइव छः पॉइंट टू फाइव प्रतिशत क्लियर ना छः पॉइंट टू फाइव प्रतिशत बातें समझें आप बोलेंगे बिल्कुल सही और फ्रेंड्स ध्यान दो अगर मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू पूछूँ तो एक बट्टा कितना होगा सोलह होगा कैसे सोलह पॉइंट हटाओ और सौ हटाओ प्रतिशत हटाओगे बट्टे में दस हज़ार और छः से पच्चीस से दस हज़ार काटे वो सोलह बार में कटेगा तो एक बट्टा सोलह आएगा क्लियर है ना तो एक बट्टा सोलह यानी जो नीचे वाला वस्तु क्या है हमेशा क्रय मूल्य ना होता है हमेशा प्रॉफिट लॉस क्रय मूल्य पर होता है यानी सी आपका सोलह है सी आपका सोलह है

अरे विक्रय मूल्य कितना है पंद्रह है और दोनों कार का विक्रय मूल्य कितना भाई 240 का दो सौ चालीस है तो एक यूनिट का वैल्यू एक यूनिट का वैल्यू काट दो पंद्रह से काटो कितनी बार में सोलह बार में सोलह ही तो करेक्ट आंसर है एक यूनिट की हानि हो रही है ना एक यूनिट की हानि तो एक यूनिट की हानि हो गई तो मतलब एक यूनिट का वैल्यू आ गया सोलह और सोलह करेक्ट आंसर है ना आपको बातें समझ में नहीं आई कोई बात नहीं ध्यान समझना एक और बताता हूँ पहले करना क्या है जो लाभ और हानि देगा उसको स्क्वायर करने का और उसक्वायर करने के बाद जो वैल्यू आया उसका फ्रैक्शन में चेंज करने का हमेशा कॉस्ट प्राइज प्रॉफिट कॉस्ट प्रॉफिट लॉस होता है कॉस्ट प्राइज पर तो कॉस्ट प्राइज नीचे वाला होगा सोलह सोलह पर एक की हानि यानी सोलह रुपये में खरीदा एक की हानि यानी पंद्रह रुपये में बेचा यह कार का विक्रय मूल्य है यानी पंद्रह यूनिट पंद्रह का वैल्यू क्वेश्चन में दो सौ चालीस तो एक यूनिट का वैल्यू सोलह एक यूनिट का वैल्यू आ गया सोलह क्लियर ना यानी एक रुपया यानी एक की हानि पर कितना है सोलह आया और एक यूनिट की तो हानि हो रही है भाई यहाँ पर एक यूनिट की हानि तो डायरेक्ट एक का वैल्यू आ गया सोलह तो सोलह ही तो करेक्ट आंसर समझो मेरी भाई समझो क्लियर है हाँ ना इसी को डाउट अगर भी डाउट है तो देखो देख बार बार इस क्वेश्चन को और नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो डाउट खत्म हो जाएगा क्लियर ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी दो मशीन प्रत्येक को तीन सौ छियानवे में बेचता है यदि एक पर दस प्रतिशत लाभ दूसरे पर दस परसेंट की हानि तो बताइए पूरे लेन पर लॉस या परसेंटेज हुआ लॉस या हानि हुआ उसका प्रतिशत बताओ तो फ्रेंड समझो हमने क्या बताया भाई कि करना क्या है सौ का स्क्वायर है ना एक्स का वैल्यू क्या है दस है तो दस का स्क्वायर है ना दस के स्क्वायर बत्तीस सौ और माइनस में हम होगा हमेशा तो लॉस ही होगा ये तो बात आपको पता होगा हमने बेसिक में ही बताया इसका स्क्वायर करोगे तो हंड्रेड और बट्टे हंड्रेड आप बोले कट जाएगा कितना आएगा एक आएगा क्लियर ना एक आएगा आप आग बोलेंगे बिल्कुल सही एक बात बताओ हमेशा जो कॉस्ट प्राइज होता है क्या होता है अपने आप में हंड्रेड परसेंट होता है हमने बेसिक में बताया था पहले क्लास में कि टाइटू करवा लेना हमेशा जो कॉस्ट प्राइज होता है हंड्रेड परसेंट होता है क्लियर है ना हमेशा जो कॉस्ट प्राइज क्या होगा हंड्रेड प्रतिशत होगा

आज चार सौ चार सौ आठ सौ यानी सात सौ बानबे बान तो एक तक निन्यानवे का वैल्यू सात सौ बानबे तो मैं पूछू एक यूनिट का वैल्यू बता दो एक यूनिट का वैल्यू बता दो तो इससे काट लो इससे काट लो कितने बार में कटेगा आठ बार में और आठ ही करेक्ट आंसर क्योंकि एक यूनिट का नो लॉस हो रहा है तो एक यूनिट का लॉस हुआ था आठ एक यूनिट का वैल्यू आ गया आठ और आठ करेक्ट आंसर बातें समझे कि अभिनन्न भी आपको समझ में नहीं आया बताओ अभिन भी समझ में नहीं आया तो फिर से एक और क्वेश्चन लेता हूँ लास्ट क्वेश्चन ले ना चलिए आठ प्रतिशत का लॉस हो जाएगा करेक्ट लगा लेना देखिए अगला क्वेश्चन है एक मकान और एक दुकान प्रत्येक की कीमत एक लाख है यदि मकान को बीस परसेंट हानि पर दुकान को बीस परसेंट लाभ पर बेचा जाए तो सारे लेन देन में लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो ये लास्ट क्वेश्चन है ध्यान समझने का देखिए बीस दिया है लाभ और हानि तो बीस का स्क्वायर करोगे चार सौ होगा है ना चार सौ सौ और काट दोगे यानी माइनस के चार प्रतिशत ये तो हमेशा माइनस में ही रहेगा ना यानी चार प्रतिशत क्या गया आपको लॉस हो गया चार प्रतिशत क्या होगा आपको लॉस हो गया और चार प्रतिशत ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है एक बट्टे पच्चीस है ना नीचे वाला आपका क्या है क्रय मूल्य है पच्चीस है ना सी पी कितना है पच्चीस है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सी पी पच्चीस तो एस पी कितना होगा आप ही बता दो एस पी कितना होगा आप ही बता दो पच्चीस पर एक कहानी यानी चौबीस होगा है ना चौबीस होगा क्लियर है आप बोलेगे बिल्कुल देखिए चौबीस का वैल्यू दे रखा है चौबीस का वैल्यू दिया है दो लाख है ना? चौबीस का वैल्यू दिया है दो लाख अरे भाई एक एक दुकान और एक मकान का कीमत कितना है एक लाख रुपया है, तो दोनों का कीमत कितना होगा दो लाख है ना तो चौबीस का वैल्यू दो लाख तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई दो बट्टे चौबीस काटोगे एक बट्टा बारह लाख यही करेक्ट आंसर यही करेक्ट आंसर आप बताओ यही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर दे रखा है जो दिया है वो आप लगा लेना क्लियर है ना एक पॉइंट बारह परसेंट का क्या होगा हानि हो जाएगी क्लियर है ना हानि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ऑप्शन नंबर सी बातें समझ में ही हाँ है ना तो ये आपको पच्चीस पर एक यूनिट की हानि क्रय मूल्य पच्चीस विक्रय मूल्य चौबीस चौबीस का वैल्यू दो लाख तो एक यूनिट का वैल्यू कितना भाई एक बट्टे बारह लाख इतने की तो हानि होगी सिंपल सी बात है तो यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन बताया आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया ना जो समझ में आया कमेंट में टाइप करके बता दोगे ये समझ में नहीं आया हम कमेंट में जरूर रिप्लाई करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे समझ में नहीं आ गया इसका कैसे कहाँ पर डाउट आ रहा है मैं सही बताऊंगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक इस चैनल पर नहीं होता है जब फ्रेश सब्सक्राइब करने का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर जय हिंदे